सारा का सारा जो इशू है या झगड़ा है वो इन पांच लेटर्स का है, TRUST, ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी कि विश्वास। विश्वास अभिभावक का स्कूल पे, बच्चे का उसके शिक्षक पे और स्कूल के सिस्टम पे अगर है तो क्या हो सकता है, और नहीं है तो क्या हो सकता है। कहानी बहुत सुनी सुनाई है, सब ने लगभग शत प्रतिशत सुनी होगी, तो मैं बस एक रिमाइंडर ही दूंगा। महाभारत के टाइम में आपको मालूम है कि पांडवों के जो गुरु थे तो अर्जुन को भी तीर कमान की ट्रेनिंग देते थे, उनका क्या नाम था? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का बहुत बड़ा सपना था कि उनका जो शिष्य है अर्जुन वो दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है, वो धनुर्धर बने, आर्चर बने और उसके लिए वो ट्रेनिंग दे देते। एक और बच्चा था जो उतनी प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं था, ट्राइबल था, उसने गुरु जी को अप्रोच किया। उस बच्चे ने कहा कि मैं आपसे धनुर विद्या सीखना चाहता हूँ। शायद आपको बच्चे का भी नाम मालूम होगा। तो चूंकि द्रोणाचार्य थे वो राजकुमारों के गुरु थे और उनको अर्जुन का भी बहुत ख्याल था, उन्होंने उस बच्चे को धुतकार दिया और कहा कि मैं तुझे नहीं सिखाऊंगा और तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें मैं सिखा सकूं, और भी नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, उस बच्चे का राइट हैंड का थंब भी उन्होंने जो है वो बाद में जाके उसको जो है उन्होंने दे दिया था, काफ़ी बाद में जब उन्हें किया। बच्चे के मन में नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि अपने गुरु के लिए अश्रद्धा, डिसरिस्पेक्ट डेवलप होनी चाहिए कि ऐसा कैसा गुरु है मेरे राजकुमारों को पढ़ाएगा और मैं एक काबिल बच्चा हूँ, मैं बहुत कोशिश करूँगा और ये गुरु मेरी बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं। लेकिन बच्चे ने ऐसा नहीं किया। इस वर्ड की हम बात करें ना, ट्रस्ट, विश्वास की। उसने गुरु का एक पुतला बनाया और पुतले को उसने गुरु मान के अभ्यास शुरू किया। इतना अभ्यास किया कि वो अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर बना। और जब उसका ये वाला गुण जो है द्रोणाचार्य ने देखा तो कहा कि बेटा तुमने किससे सीखा ये सब? उसने कहा गुरु जी मैंने तो आपसे ही सीखा, मगर मैंने तो कभी पढ़ाया नहीं, मैंने तो कभी नहीं सिखाया, तो झूठ बोल रहे। उसने कहा देखिए गुरु जी ये आप हैं, उसने पुतले की तरह इशारा किया और मैंने सारी विद्या जो है वो इसके सामने जो है वो सीखी। तो गुरु जी अब चूंकि थोड़े से निगेटिव एग्जाम्पल है वो उन्होंने उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग दिया। लेकिन एकला में इतना अच्छा स्टूडेंट था कि उसने लेफ्ट हैंड से भी आर्चरी जो है वो हर जन से बेहतर करके बाद में दिखाई और कोई भी इनविल्ड या गलत भाव अपने गुरु के लिए उसने नहीं रखा। अब इस सारे ने हमारे लिए लर्निंग कहा है। देखिए स्कूल कह रहा है कि हमारे पास में ये सिस्टम है, हमारे टीचर्स आपके बच्चे के लिए ये सब करेंगे और अभिभावक के मन में उसके लिए अविश्वास है। वो बच्चे को ट्यूशन पे भेजना पसंद करेंगे या कहेंगे कि बेटा आज स्कूल मत जाओ, यह तुम्हारा एग्जाम है, कोई बात नहीं, मत तुम्हें बताए राइट। हो सकता है किसी स्कूल के सिस्टम में कभी खामियां रही हो, होते भी हैं स्कूल इस तरीके से, लेकिन हम तो अपने टीचर्स की गारंटी दे सकते हैं, अपने सिस्टम की गारंटी दे सकते हैं कि अगर बच्चा आएगा तो हम उसके लिए सारा काम करेंगे और हम वैसे करके एग्जाम में सेट नहीं करना चाहते। क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट का इशू आ जाता है तो हमको एक तरह तो एकला में है जिसका गुरु भी इतना अच्छा नहीं था, जिसने उस गुरु के ऊपर इतनी श्रद्धा रखे और वो अर्जुन से भी बेहतर है वो आर्चरी में हो गया। और दूसरी तरफ जो है जहाँ गुरु पूरी डेडिकेशन के साथ खड़ा हुआ है, कह रहे कि बेटा बस आधी क्लास में बैठ जाओ, सारे एग्जाम्स तो जैसे कह रहा हूँ जो असाइनमेंट हो सारा कुछ करना है वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब पेरेंट्स फोन भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप भी कर रहे हैं कि भाई आइए हमारी बात तो सुनिए, लेकिन वहाँ नहीं है राइट। तो ये एक चीज़ बच्चों को भी सीखने की है। मैं अभिभावकों से भी प्रार्थना करता हूँ
कि अगर हम श्रद्धा रखेंगे हमारी शक्तियाँ एकत्र होंगी, जो भी पावर हमें भगवान ने अल्लाह ने गॉड ने दी है वो एक डायरेक्शन में चलेगी। और भले ही मैं नहीं कह रहे कोई गुरु खराब भी होगा, गुरु खराब भी है तो हमारी पावर इतनी कंसंट्रेटेड होगी वो रिजल्ट निकल के आए। लेकिन जब हम सामने वाले पर अश्रद्धा रखते हैं हमारी शक्तियाँ निकल जाती हैं, राइट। सामने अगर पत्थर को भी रख के हम कहते ना कि ये हमारा भगवान है और ये हमारी मदद करेगा, तो शायद भगवान भले ही नहीं आता हो मदद करने के लिए, लेकिन हम अपनी मदद खुद कर लें। ये एग्जाम्पल तो है ना हमारे पास, राइट। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू दैट वी आर इन योर चाइल्ड, वी विल नॉट बी द चाइल्ड अनटिल अनलेस ही एंटर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। आपके बच्चे के साथ हमारा टीचर जब तक रहता है तब तक ये बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में चला नहीं जाए। इस बदले में हमें भी थोड़ा सा सहयोग चाहिए आपसे, बच्चों की अटेंडेंस चाहिए। हम क्या कर सकते हैं अगर हमारा टीचर जो है वो आधे बच्चों को पढ़ा रहा है और घर में कौन से बच्चे नहीं होते क्लास में, वही जिनको सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि पेरेंट्स कन्फ्यूज हैं, उनके मन में पूरी श्रद्धा नहीं है, अविश्वास है, बच्चे को वो निगेटिविटी बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। अगर किसी को हम अच्छा कहें तो भले ही हमारी बात नहीं सुने, लेकिन अगर हम किसी को बुरा कहते हैं तो हमारी पूरी बात में बहुत ध्यान से सुनता है। एग्जाम्पल हमारे पास न्यूज़ चैनल है, कोई अच्छी बात नहीं बताता, हम न्यूज़ चैनल खोलते इसीलिए हैं कि हमें ये देखना होता है कि कौन कहाँ मर गया या किसी कहाँ पर कोई खराब बात हो गई है, राइट। तो अगर हम अपने टीचर के लिए बच्चे के मन में श्रद्धा निर्गत करें, टीचर नहीं भी अच्छा है आप मान लेते हैं लेकिन बच्चा तो फोकस रहेगा कम से कम। स्कूल के लिए कहें कि नहीं तुझे स्कूल जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश है तूफान है, अगर स्कूल खुला है सरकार ने स्कूल खोला है तो हमको जाना ही जाना है, रिजल्ट आपको मिलेंगे। और ये लेसन केवल 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम के लिए नहीं है, ये तो जिंदगी का लेसन है। जिसने भी अविश्वास किया, राइट, उसने अपनी शक्तियाँ खो दी, उसको लगता है दुनिया में कुछ है नहीं, कुछ काम करता नहीं है, और जिसने विश्वास किया वो पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेगा, वो एक पुतले को भी गुरु बना लेगा, वो अपने सारे काम करता रहेगा, राइट। दिस इज द मैसेज व्हिच आई एम ट्राइंग टू कन्वे, वी आर टेकिंग गारंटी एंड वी आर यूजिंग दिस वर्ड आई थिंक मोर देन 10 टाइम टुडे, बट वी नीड कोऑपरेशन। पेरेंट्स फीस के अलावा कोई एक जो सबसे कीमती चीज़ अगर अपने बच्चों को दे सकते हैं उन्होंने हमें क्या होता है उनका टाइम। अगर आपके पास आपके बच्चे के लिए टाइम भी नहीं है तो आप चाहे टाटा हैं, बिरला हैं, अंबानी हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, IAS हैं, डॉक्टर हैं, सब बेकार, राइट। इसलिए नहीं कि आप बच्चे पर कोई एहसान कर रहे हैं, आप बच्चे को इस दुनिया में लाए हैं कि आपका ऑब्लिगेशन है। अगर आप पेरेंट हैं कि आपका ड्यूटी बनता है कि 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा आप अपने बच्चे के लिए पढ़े निकाले, उसका स्कूल जब भी आपको कॉल करे आप उसके टीचर से मिले, बात तो करें उससे, राइट। अब आप अगर आपके पास समय ही नहीं है और आप अपने उन्हीं चीज़ों को आप प्रेजेंट कर दें कि मैं नहीं आ पाया, नहीं कर पाया, तो उसमें तो फिर बात अधूरी रह जाएगी। ये वाला जो तालीम है दोनों हाथों से बचनी है, एक हाथ हमारा है और एक हाथ है, इस अगर मोमबत्ती को या चिराग को या दिए को अगर हमें सही से प्रज्वलित करना है तो दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। जिस द मैसेज आप कन्वे टू यू, जितने भी अभिभावक आए हैं उनका आने का बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों को सपोर्ट करें, हमारे हाथ खींच के रखें जहाँ हम गलती करें, पर उसके लिए आपको आपके बच्चे के साथ में होना पड़ेगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है, आपने दिया महीने के पैसे दे दिए, ट्यूशन की फीस के पैसे दे दिए, वो गुम काम पे आ गया, शाम को इतना थका हुआ है सो गया, इसका मतलब आप अच्छे पेरेंट नहीं। जब अच्छे पेरेंट हैं आपकी जिम्मेदारी है जब तक आपका बच्चा कॉलेज के लायक नहीं हो जाता आप उस समय उसको देना पड़ेगा। अगर गलत बात करी तो उसके लिए क्षमा, राइट, माफ़ करती हूँ।